आपने सड़क पर सरेआम दूध की लूट, पेट्रोल की लूट, खाने की लूट, केक की लूट तो खूब देखी होगी, लेकिन आज जो लूट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में अनोखी है। कानपुर में एक सड़क भरी दोपहर देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गई। जिस सड़क पर रफ्तार से सरपट गाड़ियां दौड़ रही थी, वहां देखते ही देखते मछलियां तैरने लगी। बस फिर क्या था, ऐसी बम्पर सेल जिसमें मछलियां फ्री में मिलने लगी तो लोग खुद को कैसे रोक पाते, जिसके हाथ में जो भी था उसी में भरने लगे मछलियां। अरमापुर थाना क्षेत्र के गन फैक्ट्री रोड पर मंगलवार सुबह मछलियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद सड़क पर तालाब जैसा नजारा बन गया। चारों तरफ मछलियां ही मछलियां नजर आने लगी। जिसे देख वहां से गुजर रहे रागीरों में मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। लोगों की भीड़ को हटाकर जाम खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। मंगलवार सुबह इस नजारे को जिसने भी देखा हैरान रह गया। मछलियों से लदे ट्रक के पलट जाने के बाद उसमें लदी हजारों मछलियां सड़क पर तैरती हुई नजर आई। बीच सड़क छिछले पानी में हजारों मछलियां तड़पते हुए अपनी जिंदगी का संघर्ष कर रही थी, और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मछलियों को लूटना शुरू कर दिया। मौके से गुजर रहे राहगीर जो ऑफिस या अपने किसी काम से कहीं जा रहे थे, सब छोड़कर जमीन पर पड़ी हुई मछलियों को पकड़ने में जुट गए। जिसे जितनी मछलियां ले जाती बनी वो उतनी उठाकर चलता बना, जिसके बाद चलते सड़क पर भीषण जाम लग गया। वही मछली लूटने को लेकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा होने लगा। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मछली लूट रही भीड़ को खदेड़ा और सड़क का जाम खाली करवा। स्थानीय लोगों के मुताबिक अरमापुर में जो ब्रेकर है वो बहुत ऊंचे हैं, इसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। इन्हीं ब्रेकर की वजह से आज मछलियां ट्रक से बाहर गिर गई और देखते ही देखते लूट मच गई। यूपी न्यूज के लिए रोहित गुप्ता की रिपोर्ट।